नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे बसों को लेकर गरमाई सियासत की, मोदी कैबिनेट से मंजूर किए गए अहम प्रस्तावों की, जानेंगे कि नीतीश सरकार से तेजस्वी ने किए कौन से सवाल, और फडणवीस और पवार क्यों आए आमने सामने, और आखिर में बात बेरोजगारी दर पर आई CMIE की रिपोर्ट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रेल सेवा के बाद सरकार ने विमान सेवा को भी दी हरी झंडी। 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ाने, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ मिली इजाजत। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव, कांग्रेस ने की 11 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने जारी की सूची। बॉलीवुड ने फिल्मों के निर्माण को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा लेटर। पत्र के जरिए FWICE ने CM से की इंडस्ट्री को फिल्मों, सीरियलों और वेब शोज के पोस्ट प्रोडक्शन की इजाजत देने की मांग। मौजूदा हालात के बीच बिहार में चुनाव के समय नहीं निकाली जाएंगी रैलियां, राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दी जानकारी। बिहार में साल के अंत में होना है चुनाव। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ईद की नमाज के लिए मस्जिद खोलने की इजाजत देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 622 अंक और निफ्टी 187 अंक ऊपर चढ़कर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच अब भी देश में सियासत है कि दिन ब दिन तेज होती जा रही है, कभी आर्थिक राहत पैकेज को लेकर तो कभी प्रवासी कामगारों को लेकर। उत्तर प्रदेश में तो प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने बसों की व्यवस्था क्या की, पूरी BJP ब्रिगेड ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में लागू पूर्णबंदी को लेकर प्रवासी श्रमिक कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। केंद्र ने स्पेशल ट्रेन चलाई, लेकिन सभी कामगारों को ये ट्रेन अब तक घर नहीं पहुंचा पाई, जिसके बाद विपक्ष ने बसों के जरिए लोगों को घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। लेकिन इन बसों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तो प्रियंका के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इसी बीच आज एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराई गई बसों के बॉर्डर पर रोके जाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने UP सरकार से बसें चलवाने की अनुमति मांगी है। उन्होंने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि बॉर्डर पर खड़ी इन बसों को 24 घंटे हो गए हैं, अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। अगर आपको भाजपा के झंडे और स्टिकर लगाने हैं बेशक लगाइए, अगर आपको कहना है कि आपने उपलब्ध करवाई है तो वो भी कहिए, लेकिन इन बसों को चलने दीजिए। प्रियंका गांधी ने कहा, हम सबको अब अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये भारत के वो लोग हैं जो भारत की रीढ़ हैं, जिनकी मेहनत से ये देश चलता है। अपने राजनीतिक स्वार्थ से परहेज कर हर किसी को सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल होना चाहिए। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। अगर ये बसें चली होती तो कह सकते थे कि 36,000 लोग सही सलामत अपने घर पर पहुंच गए। इतना नहीं करना है तो हमें बसें वापस भेज दीजिए। योगी सरकार पर बरसने के साथ ही प्रियंका ने कामगारों को भरोसा दिया और कहा कि आप यूपी के किसी भी जिले से भी गुजरे, हमारे कांग्रेसी आपको मिलेंगे और आपको खाना पीना देंगे, और हम आपके साथ इस मुसीबत में खड़े रहेंगे। अब कांग्रेस ने तो BJP को दो टूक कह दिया है कि कामगारों की मदद करने दीजिए या फिर हमें बसें वापस भेज दो। ऐसे में अब बस मामले पर घिरी योगी सरकार क्या जवाब देती है ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस सियासी बयानबाजी में परेशान आज भी प्रवासी कामगार ही है। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, प्रवासी कामगारों के लिए बस मुहैया कराने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर सियासी रोटियां सेकने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इन सब का खामियाजा अब भी वो मजदूर ही उठा रहा है जो घरों की ओर पैदल चलता जा रहा है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? जी प्रिया, पूर्णबंदी यानी लॉकडाउन की सख्ती से भले ही सरकार ये दावा कर ले कि उसने बहुत सारे लोगों का जीवन बचा लिया है, लेकिन इस सख्ती का दूसरा पहलू ये है कि लाखों लोगों का जीवन मुश्किल में पड़ गया है। गरीब आदमी शरीर की बीमारी से तो किसी भी तरह बच जाए, लेकिन सियासी बीमारी की मार से खुद को कैसे बचाए। मार्च के अंतिम दिनों में प्रवासी कामगारों पर सरकारी नियमों की जो मार पड़ी तो उसका दर्द अब तक उन्हें तकलीफ दे रहा है, जबकि मई का महीना भी बीतने को है। उनके इस दर्द का कोई
इलाज करने की कोशिश करे तो उसे पहले सियासी दांवपेच से निपटना होता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में हम यही हाल देख रहे हैं। पिछले चार दिनों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी सरकार से इजाजत मांग रही हैं, अनुमति मांग रही हैं कि उन्होंने जिन बसों का इंतजाम किया है उनमें बिठा करके मजदूरों को घर छोड़ने की इजाजत दी जाए, लेकिन अनुमति देने में तत्परता दिखाने की जगह नियम कायदों में उलझाया जा रहा है। पहले बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा गया, फिर किसी खोजी पत्रकार ने यह खोज निकाला कि जो लिस्ट दी गई है उनमें सभी बसें नहीं हैं, कुछ ऑटो हैं, कुछ टू व्हीलर्स हैं। फिर इस मसले पर भाजपा और कांग्रेस समर्थकों में जो है उन दोनों के बीच बहस हुई। फिर सरकार ने कहा कि सभी बसें फिट नहीं हैं, कुछ ही फिट हैं। इसके बाद भी फिट बसों को चलने देने की इजाजत जो मिलनी चाहिए थी वो कानूनी दांवपेच में उलझ गई। इस बीच आगरा में पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जो कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार किया। उन पर मास्क न पहनने का दोष लगाया गया और महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। नोएडा में भी कुछ कांग्रेसियों पर बसों के इर्द गिर्द भीड़ लगाने को लेकर कानूनी कार्रवाई की गई। इतना सब करने के बाद सरकार ने मजदूरों की मदद का महत्वपूर्ण वक्त गंवा दिया है प्रिया, और मजदूरों की तकलीफें बढ़ती रही हैं। भाजपा सरकार कांग्रेस पर फर्जीवाड़े और सियासत का आरोप लगा रही है और कांग्रेस भी भाजपा को इस संकट में सियासत न करने की नसीहत दे रही है, लेकिन ये सारी कवायद जिन प्रवासी कामगारों के लिए शुरू हुई है वे अब भी अपने घर पहुंचने की राह देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने श्रमिक ट्रेनों और एसी ट्रेनों के बाद अब नॉन एसी ट्रेनों और घरेलू उड़ानों को शुरू करने की अनुमति तो दे दी है, जिससे बहुत से मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास के लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन क्या बेहतर होता कि अगर सरकार पहले उन मजदूरों के बारे में सोचती जिन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा राहत और मदद की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच आज सबकी नजरें केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर कैबिनेट की मुहर लगी, साथ ही कई अन्य प्रस्तावों को भी मोदी कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान कई प्रस्तावों को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। मोदी कैबिनेट ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को यानी MSME को कुल 3,00,000 करोड़ रुपए के लोन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को कर्ज देने के लिए नई स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम शुरू करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी हरी झंडी दे दी गई है। इस योजना से देश में मत्स्य पालन के विकास के लिए नीली क्रांति लाने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को 31 मार्च 2023 तक आगे बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कोल और इग्नाइट ब्लॉक की नीलामी के नए नियमों और नए ब्लॉक्स की मंजूरी दी गई है। कोयले की बिक्री राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर की जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैबिनेट ने आज PM के आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर मुहर लगा दी है। पिछले हफ्ते ही स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावित लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए 20,00,000 करोड़ के पैकेज का PM मोदी ने ऐलान किया था, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 बार मीडिया से मुखातिब हुई और उन्होंने 20,00,000 करोड़ के खर्च को लेकर जानकारी दी थी। अब एक तरफ केंद्र सरकार नए नए प्रस्तावों को मंजूरी देकर मुसीबत से पार पाने में जुटी है, तो वही मुसीबत के बीच भी बिहार में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जी हाँ, यहाँ कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर RJD नेता तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब एक बार फिर तेजस्वी ने मौजूदा हालात में जांच को लेकर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे जैसे पूर्णबंदी में छूट का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिहार में विधानसभा चुनाव वक्त पर होने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। सत्तारूढ़ JDU और BJP को अपनी सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार की खामियां लगातार जनता के सामने रख रहे हैं ताकि उसका लाभ चुनाव में लिया जा सके। अब एक बार फिर मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच कम टेस्टिंग को लेकर RJD नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने ट्वीट किया, तमाम दावों के बावजूद बिहार में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच जांच पूरे देश में सबसे कम क्यों?
15 वर्षीय सरकार बताए आखिर विफलता का क्या कारण है। अगर जांच किट नहीं है तो सरकारी विफलता है, और अगर उपलब्धता के बावजूद जांच नहीं हो रही है तो सबसे बड़ी विफलता है। नीतीश कुमार जी, स्वास्थ्य मंत्री कहां गायब हैं? दरअसल तेजस्वी ने अपने इस ट्वीट के पीछे एक निजी अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में प्रति 10 लाख लोगों में सिर्फ 313 लोगों की जांच हो रही है। अब तेजस्वी तो लगातार सीएम नीतीश कुमार से सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं, और सीएम नीतीश कुमार फिलहाल तेजस्वी के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच हो रही सियासत का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना देखने को मिलता है। अब तेजस्वी के तेवर तो दिन ब दिन तल्ख हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनके सवालों पर चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं देखना ये भी होगा कि अब महाराष्ट्र की सियासत किस मुद्दे पर गरमाए हुए है। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो खत लिखे थे, अब उसका हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी प्रमुख को आड़े हाथों लिया है, जिस पर कांग्रेस ने फडणवीस को जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आर्थिक पैकेज को लेकर महाराष्ट्र में सियासत चरम पर है। विपक्षी पार्टी बीजेपी महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार से केंद्र की तरह पैकेज की घोषणा करने की मांग की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे नीत MVA सरकार को केंद्र की तरह पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार पत्र लिखे, उन्हें इसी तरह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी पत्र लिखने चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी प्रमुख को घेरने की कोशिश की तो एमवीए सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने महाराष्ट्र बीजेपी के विधायकों को कटघरे में खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने सवाल पूछा कि अगर उन्हें महाराष्ट्र की इतनी ही चिंता है तो उन्होंने अपनी विधायक निधि को पीएम केयर्स फंड के बजाय मुख्यमंत्री राहत कोष में दान क्यों नहीं दिया। दरअसल शरद पवार ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में केंद्र के आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि केंद्र के पैकेज में पूर्णबंदी के दौरान अन्नदाता को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रावधानों का अभाव है। साथ ही उन्होंने केंद्र पर राज्य सरकारों का सहयोग करने के बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया था। दरअसल गैर बीजेपी शासित राज्य लगातार केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि मुश्किल की इस घड़ी में राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर काम करेंगी ताकि इस मुसीबत से जल्द पार पाया जा सके। अब महाराष्ट्र में तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष को उनके सवालों पर करारा जवाब देकर बीजेपी को ही मुश्किल में डाल दिया, तो वहीं इस वक्त एक परेशानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भी आ गई है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार में संवैधानिक पदों पर हुई नियुक्तियों को रद्द कर दिया, लेकिन फिलहाल वो इन पदों पर नई नियुक्तियां भी नहीं कर सकते, जिसे लेकर उनकी मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। तो आखिर क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में इन दिनों तू डाल डाल तो मैं पात पात की सियासत चल रही है। मध्य प्रदेश की सत्ता से जाते जाते कमलनाथ सरकार ने आनन फानन में कई संवैधानिक नियुक्तियां कर दी थी, जिन्हें शिवराज सरकार ने सत्ता में आते ही निरस्त कर दिया। संवैधानिक पदों पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के लिए शिवराज सरकार ने कई नियमों का पालन नहीं किया था और अध्यक्ष समेत सदस्यों को हटा दिया, जिसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाएं जबलपुर हाई कोर्ट में लगाई जा चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश मामलों में अदालत ने यथास्थिति के आदेश दिए हैं। मतलब जब तक कोर्ट से इस मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता, शिवराज सिंह चौहान चाहकर भी इन पदों पर नई नियुक्तियां नहीं कर सकते। आज राज्य महिला आयोग के सदस्यों को हटाने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए। राज्य महिला आयोग की सदस्य जमुना मरावी और संगीता शर्मा ने सरकार द्वारा उन्हें पद से हटाने के फैसले को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की थी। आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग, युवा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग में हुई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले के बाद शिवराज सरकार मुश्किल में फंस गई है, और अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार इन पदों पर कोई नियुक्तियां भी नहीं कर पाएगी। मतलब साफ है कि कोर्ट ने शिवराज सरकार के हाथ बांध दिए हैं। हालांकि अभी आयोगों के जिन अध्यक्षों और सदस्यों को शिवराज सरकार ने हटाया है, उन्हें भी राहत नहीं मिली है। और बुलेटिन के आखिर में अब बात बेरोजगारी दर पर आई CMIE की रिपोर्ट की। देश में पूर्णबंदी का चौथा दौर लागू है, इसमें कुछ ढील जरूर दी गई है जिससे लोगों को राहत मिले, लेकिन रोजगार में आई जबरदस्त गिरावट आने वाले दिनों में सरकार की सिरदर्दी बढ़ाती नजर आ रही है। सरकार को उम्मीद थी कि पूर्णबंदी के चौथे चरण में छूट देने के बाद बेरोजगारी दर में कमी आएगी, लेकिन CMIE की रिपोर्ट की माने तो छूट मिलने के बाद भी बेरोजगारी दर में कोई सुधार नहीं हुआ है।
एक रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत को देखते हुए पूर्णबंदी जारी है, लेकिन पूर्णबंदी ने कई लोगों के सामने रोजी रोटी की परेशानी खड़ी कर दी है। लोगों के हाथों से उनका रोजगार छिन गया है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों को कंपनियों से निकाला जा रहा है। उद्योग धंधे बंद होने के बाद श्रमिक भी पैदल घरों की ओर लौट रहे हैं। अब सरकार ने पूर्णबंदी में ढील जरूर दी है, लेकिन बेरोजगारी दर लगातार ऊंचाई पर बनी हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 17 मई को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी की दर 24% रही है, जो लगभग अप्रैल के जैसी ही है। इसका मतलब ये है कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में थोड़ी ढील दिए जाने का भी बेरोजगारी दर पर खास असर नहीं हुआ है। हालांकि इस ढील का श्रम भागीदारी दर पर जरूर थोड़ा असर हुआ है। इसमें बढ़त हुई है, जो कि 26 अप्रैल के हफ्ते में अब तक के सबसे निचले स्तर 35.4% तक पहुँच गयी थी। 17 मई के हफ्ते में ये बढ़कर 38.8% तक पहुँच गयी है। देश में बेरोजगारी तो पूर्णबंदी के पहले से ही बड़ी परेशानी थी, लेकिन पूर्णबंदी ने तो बेरोजगारी दूर करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हालांकि CMIE ने उम्मीद जताई है कि ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू होने के बाद आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्णबंदी में ढील के बाद भी अर्थव्यवस्था का पहिया पटरी पर लौटता नहीं दिख रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार इन तमाम परेशानियों से पार पाने के लिए क्या कदम उठाती है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।